हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज देखते हैं मेरी सिस्टर ने बनाई हुई भरवा शिमला मिर्च की सब्ज़ी की रेसिपी। और यकीन मानिए, ये इतनी टेस्टी थी कि देखते ही सब ने चट कर दी। इसके लिए सबसे पहले एक कटोरी बेसन को धीमी आंच पर अच्छी तरह से भून लिया। उसके पश्चात कढ़ाई में 8 से 10 बड़े चम्मच तेल डालकर उसमें हींग और जीरा डाला। फिर करीबन 8 से 10 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काटकर उसमें मिला दिया। इसे अच्छी तरह से हिलाया, तेज आंच पर पकाया। फिर डाला 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर या जितना तीखा खाना आप पसंद करते हो। इसे अच्छी तरह से मिलाया। उसके पश्चात करीबन 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर। यह सारी प्रक्रिया हमें तेज आंच पर ही करनी है और इसे लगातार चलाते रहना है। फिर इसमें डालें स्वाद के अनुसार नमक। नमक डालने पर प्याज पुनः थोड़ा पानी छोड़ेगा, उसे थोड़ा ड्राई होने तक पका लें। उसके पश्चात इसमें डालें 2 चम्मच गरम मसाला। इसे डालकर अच्छी तरह से मिला लें और फिर डालें 1 चम्मच आमचूर का पाउडर। और उसके पश्चात हमने भून कर रखा हुआ बेसन मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि बेसन प्याज को अच्छे से लग जाए। सबसे आखिरी में डालें 1 चम्मच शक्कर। यह ऑप्शनल है, आप यदि पसंद करें तो डालें, अन्यथा स्किप कर सकते हैं। इस सब को अच्छी तरह से मिला लें। बेसन की कोई गुठली ना बने इस बात का ध्यान रखें और इसे धीमी आंच पर करीबन 2 से 3 मिनट तक के लिए पकने दें। यह तैयार है हमारे शिमला मिर्च में भरने का मिश्रण। इसे थोड़ा ठंडा होने दें। जब यह ठंडा हो जाए तो इसे काट कर रखी हुई शिमला मिर्च में भर दें। शिमला मिर्च को कैसे काटा जाता है यह मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ। आप चाहे तो आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। इस तरह सारी शिमला मिर्च भर कर तैयार कर लें। अब एक पैन में 3-4 चम्मच तेल गर्म करें और उस पर रख दें हमने भर कर रखी हुई शिमला मिर्चें। सारी शिमला मिर्च को अच्छे से रख कर बचा हुआ मसाला भी इसके ऊपर डाल दें और इस सब को ढक कर धीमी आंच पर पकने दें। करीबन 4-5 मिनट बाद आप इसे पलट दें। हर साइड से यह शिमला मिर्च पक जाए इस बात का ध्यान रखें। और यह तैयार है गर्मा गर्म भरी हुई शिमला मिर्च, बहुत ही टेस्टी। तो देर किस बात की, आप ही बनाइए, खाइए, खिलाइए, सेहतमंद बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।